Click here to subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon to get regular updates of our videos. यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना हर एक इंजीनियर का ड्रीम होता है. ईएससी इज कंडक्टेड इन थ्री स्टेजेस, दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन एंड फॉलोड बाय द पर्सनालिटी टेस्ट. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज द फर्स्ट एंड द क्रूशियल स्टेज व्हिच रिक्वायर्स कॉम्पिटिटिव स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी अलॉन्ग विद साउंड नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स. लेकिन स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी कैसे डेवलप करें. इसका सिर्फ एक ही जवाब है, प्रैक्टिस से. फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इज द की टू ब्रश अप योर सब्जेक्ट्स एंड रेक्टिफाई द वीक एरियाज. ESE प्री ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव प्रैक्टिस ऑफ जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, दैट इज पेपर 1, एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, दैट इज पेपर 2 ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. The main objective of this test series is to provide real-time exam environment to the aspirants as per the UPSC standards. Our test centers are monitored by experienced center coordinators in order to maintain proper discipline in the examination hall. Some of the key features of Made Easy ESE Pre offline test series are: test papers are developed by senior faculties, ESE toppers and other members of research team as per standard and pattern of UPSC. Test series consists of 26 tests, which includes 16 part syllabus tests and 10 full syllabus tests, for a thorough coverage of the entire syllabus in a systematic manner. Test series ka ek peculiar feature hai, iska dynamic nature, which provides cyclic revision of paper 1 and paper 2 multiple times. Combination of new and repeat topics help aspirants to maintain continuity and a perfect balance between technical and non-technical subjects. Fully explained and well-illustrated solutions are uploaded on the website soon after the test. Question challenge facility is the unique feature of Made Easy test series, where students can get opportunity to discuss their test-related doubts with our technical experts. मैंने शुरू के 2 महीने में यही किया. सारे टेक्निकल का मेरा थोड़ा सा छूट गया था, 1 साल से मैं जॉब कर रहा था तो सब कुछ थोड़ा भूल गया था. तो मैंने सारे पहले 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नोट डाउन करके एवरीथिंग, सारे नोट्स बना लिए. फिर अब आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो. तो प्री के लिए क्या है कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेज में. देखिए, हमारी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज नहीं लिखता है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसकी गलतियां कहां हो रही है. अच्छा, हमने तो अभी मेंस की टेस्ट सीरीज की बात की थी, आपने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मेडी जी की थी. तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? बहुत अच्छी थी उसमें. इनफैक्ट इन टेक्निकल आउट ऑफ 300 आई वाज टचिंग 250 आई आल्सो टच इन वन टेस्ट, इफ यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द मेडी जी. राइट, 75% वहां पर भी और इवन मोर है. तो वहां टाइम कम था इस बार, तो कम टेस्ट दिए, बट मैंने वो दिल से जीती, जितने भी दिए अच्छे से दिए क्योंकि तैयारी थी. तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अब जैसे टेस्ट आते हैं, हर टेस्ट को फाइनल एग्जाम की तरह लेना है. तो प्री में क्या होता है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बहुत आजकल क्वेश्चंस बहुत ही न्यूमेरिकल और बहुत कैलकुलेटिंग आ गए हैं. तो हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए उसके लिए. आप रेगुलर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. तो पिछले 2 बार से जो मैं ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहा हूँ, टेक्निकल इज लिटिल चैलेंजिंग बिकॉज वहाँ पर बहुत टू द पावर 1.25 कैलकुलेट करना पड़ रहा है. तो आप जितने ज्यादा टेस्ट देंगे, जितने ज्यादा रियल एनवायरमेंट उसको बैठ के देंगे, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा, बहुत सॉलिड होगा. ये नोटेड, वन टू बी नोटेड, रियल एनवायरमेंट. दूसरा, प्रैक्टिस ऑफ टेस्ट इन द एनवायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन. करेक्ट, राइट, क्योंकि कैलकुलेशन आते हैं और वो मैनुअल कैलकुलेशन होते हैं. और उसमें एक चीज और है सर, प्री के टेस्ट में ये ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है. कई बार आता होता है लेकिन हमें पता ही नहीं करना, हमारे 2 मिनट खा जाएगा. इट विल कंज्यूम ओवर 2 मिनट्स, सो बेटर टू स्किप दोज क्वेश्चंस. बिकॉज आउट ऑफ 150 आई अटेम्प्टेड 121 इन प्री दिस ईयर एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर देन 180 दिस टाइम. हेलो, आई एम कार्तिकेय सिंह चौहान, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच. आई हैव सिक्योर्ड AIR 1 इन ESE 2019. आई हैव डन माई BTech फ्रॉम NIT रायपुर इन ईयर 2015. मेड इजी जो टेस्ट सीरीज ESE प्रीलिम्स के लिए प्रोवाइड करता है, वो अपने आप को एसेस करने में और एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प करेगी. जब आप ये टेस्ट सीरीज लिखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. उसके बाद जो मेड इजी जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो अप टू द UPSC लेवल आपको मिलेगा, जिससे कि आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर पाएंगे ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी. ये जो टेस्ट सीरीज है डेफिनेटली आपकी जो ओरिजिनल एग्जाम है उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी. बेस्ट ऑफ लक. दोस्तों, आइए जानते हैं ESE प्री ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बेनिफिट्स क्या हैं. रिवीजन एंड सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज सबसे इफेक्टिव टूल माना जाता है. स्टूडेंट्स कैन जज देयर परफॉर्मेंस एंड रेक्टिफाई देयर वीक एरियाज.
ESE Pre-Offline Test Series is a national-level test series which is conducted at all centers of MEDIZI at the same time, and students will get golden opportunity to evaluate their preparation with quality students of MEDIZI on all India basis. Hello everyone, I am Rajat Soni. I secured All India Rank 1 in Engineering Services Examination 2019 in Electronics and Telecommunications stream. I completed my BTEC in EC from NIT Warangal. I joined MEDIZI classroom program in Bhopal Center. About the prelims test series, I would suggest that it is the most crucial part of the examination because it's a highly scoring part. As an engineer, we have that objectivity inside us which makes it the most scoring part of the examination. The test series are organized in every week on Sunday and the solutions are uploaded on Monday. So what I used to do is, after appearing for the test in the examination, I used to solve all the questions again once I reached home, and then I cross-checked my examination solutions with those which are uploaded on next day. This helped me to identify my mistakes in the examination, which actually proved to be very useful. And I suggest you all to appear in this test series in a very serious manner. All the best for your preparation. Hello, my name is Kumar Chandan. I have secured All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019 in Mechanical branch. I have completed my bachelor degree from Army Institute of Technology, Pune. I belong to Jahanabad, Bihar. I have attended prelims test series provided by MEDIZI, and it give me exposure to variety of questions. It also helped me in improving my knowledge. It improved my accuracy and speed, and it also gave me exposure to the test environment that UPSC test series environment that helped me to really emotionally stable in the main test. So I would like to thanks MEDIZI for that. Thank you. Now the most important part of this video is the expert's tip. Friends, kindly pay attention towards the tips given by our experts. Number 1. Try to appear all the tests without skipping. In case if you are remaining absent due to unavoidable circumstances, then you have an option to appear for the same test the next day. Number 2. We have noticed that 70 to 80% of the students will just see the marks obtained in the test and they are not paying attention towards the test analysis. Let me tell you, analysis is equally important, which helps you to judge your performance and rectify your weak areas. Students can log on to our website using their login credentials and check the detailed result analysis after every test. Number 3. Make a list of mistakes committed in the test and practice those questions again at home. Number 4. अगर किसी कारण आपने अपने पार्ट सिलेबस टेस्ट मिस करे हैं, देन आपके पास एक और मौका है फुल सिलेबस टेस्ट का. I strongly advise, kindly appear for all full syllabus tests. Number 5. Never get disappointed if your rank is low, and never feel overconfident if you are performing well. So friends, आपने ESE Pre offline test series में enroll किया है and अब कुछ 15 to 20 tests over हो चुके हैं. So क्या आपको अपने आप में improvement नज़र आता है? मेरा नाम कैलाश गंगवाल है. I am from civil engineering. मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ESE टेस्ट सीरीज देने से पहले मैं अपने में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा था, लेकिन अब ESE की टेस्ट सीरीज देने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है और थोड़ा अब ये फील हो रहा है कि रियल एग्ज़ाम में भी मैं अच्छा परफॉर्म करूँ. सो आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव करा है. जी, दैट्स नाइस. मैम आप बताइए. हेलो, माय नेम इज़ दीपाली वर्मा. आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग. एंड कॉन्फिडेंस इज़ बेसिक. ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो गेन होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम सिर्फ नॉलेज गेन करते हैं क्लास में बैठ के, बट उसका अप्रोच और एप्लीकेशन हमें टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है. जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे तब तक हम अपने आप को एग्जामिन नहीं कर सकते कि हमें कितना आता है और हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. थैंक यू. हेलो, माय नेम इज़ शिवम कंडारी एंड आई एम आल्सो फ्रॉम सिविल ब्रांच. हम लोग बेसिकली जो हम लोग अपना रिवाइज करते हैं, सो उसमें हम लोग काफ़ी पॉइंट्स हमारे मिस हो जाते हैं, जो कि हम इस सीरीज के दौरान उसको दोबारा देखते हैं, रिवाइज करते हैं, एंड वी ऑल्सो लर्न एंड वी फील मोर सिक्योर अबाउट गिविंग अवर एग्जामिनेशन एंड वी फील मोर ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट. तो मिस्ड कंसेप्ट्स जो हैं वो आपको टेस्ट सीरीज से इम्प्रूव हो जाते हैं, प्लस जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेते हैं. That's nice. अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें नर्वसनेस, एग्जाम फियर, ये हमेशा होता है. तो ऐसे ही जब यूपीएससी का ESE एग्जाम फेस करेंगे
तो जाहिर सी बात है नर्वसनेस एंड एग्जाम फियर हो गई. तो क्या ये आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू नर्वसनेस एंड एग्जाम फियर को कोप अप करने में थोड़ी मदद मिल रही है? हेलो मैम, आई एम हिमांशु मिश्रा फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग. एंड मैम यस, जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो हमारा एक जो फियर होता है, एग्जाम फियर होता है, वो यहाँ पे धीमे धीमे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है तो उसके कारण यहाँ पे हमारा एग्जाम फियर धीमे धीमे ख़त्म हो जाता है. एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सही स्ट्रेटजी जिससे हमें एग्जाम, फाइनल एग्जाम देना है, हम वो डिसाइड कर पाते हैं. तो इसमें हमारा टेस्ट सीरीज हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. आप बताइए. मैं सनीराज, ये मैं जरूर बोलूँगा कि जो टेस्ट सीरीज है वो एक पैसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है एग्ज़ाम का. मैंने इससे पहले मेरा कोई अटेम्प्ट नहीं था, अभी भी नहीं है. हाँ, यूपीएससी का ये मेरा पहला अटेम्प्ट होने वाला है, तो ये मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि मैं पहली बार अटेम्प्ट करूँगा. तो कैसे OMR फिलअप करना है, कौन से क्वेश्चन से अटेम्प्ट लेना है, मतलब माइंड में बनाते हैं उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना, वो टेस्ट सीरीज में कर पाते हैं. लाइक अगर टेस्ट सीरीज नहीं होता, जैसे टेस्ट सीरीज बहुत सारे ऑनलाइन भी हैं, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में वो पैसिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाता जो यहाँ पे होता है एग्जाम वाला एग्जाम एनवायरनमेंट. तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. नाइस. आप बताइए, जो हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं तो वो क्या आपको ऐसा लगता है कि थॉट प्रोवोकिंग होते हैं? क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज जो आपकी रहती हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए ये सहायता दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल. ये जो खासकर की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो होते हैं, खासकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट 1, 2, 3, तो उसमें काफी थॉटफुल प्रोसेस होता है जब ऑप्शंस में आपको चूज करना होता है 1 और 2 या 2 और 3. ओके, सो दैट इज वेरी हेल्पफुल. आप बताइए. Hi, I am Akshay, and the best thing about this test series is that the ratio of new to old questions is very much perfect. So when we see the new questions in the original test, we do not hesitate to explore our minds. We use our previous knowledge and our aptitude which we developed during these test series. So yeah, this very good amalgamation of the new and old test series. So aapka implementation of concepts अच्छे से हो पाता है इस टेस्ट सीरीज के थ्रू? आई मीन व्हाट यू रेड इन योर रूम एंड कमिंग टू द टेस्ट सीरीज एंड राइटिंग द पेपर, व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन आवर रूम और दिस क्लासरूम सेशंस, इट्स वेल, इट इज वेल टेस्टेड विद इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड थ्रू न्यू क्वेश्चंस दे हेल्प अस टू एक्सप्लोर आवर माइंड सो दैट वी डोंट फील Yes. So in the recent paper you could attempt 70 to 80%, on an average 70 to 80%. Yes ma'am, in the first test I have taken nearly 70 questions out of 100 in GS paper, and I slowly understood the pattern and I started improving the number of questions that I attempt. So last time I attempted 80+, and I'm improving, I'm working on my accuracy, like not just attempting but also I'm trying to make the number of correct choices and all. So since it's a mock test, like they are distributing almost all the subjects properly, like that's what I felt. I'm improving my accuracy, and in technical also, initially I was attempting 110 and all, nearly 100 and 110. Now I improved it to 120+. No, definitely. And also the accuracy, I was more focused on accuracy because after the exam they give the test results also. There I was checking like where I'm going wrong in which of the topics and all. And for the next mock, I'm only focusing on those topics which are not so comfortable for me. So if that question is coming again, I am not making any mistake. Like I was preparing that way, and it helped me a lot. So क्या ये टेस्ट आपको एग्जाम क्रैकिंग स्किल्स डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं? या डेफिनेटली. लाइक फर्स्ट मैं जब टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रही थी तो मेरे क्वेश्चन छूट जाते थे, बहुत सारे पेपर होते थे, मेरे क्वेश्चन छूट जाते थे, बट टेस्ट सीरीज से आई इम्प्रूव्ड अलॉट. लाइक I've got that how to attempt the paper accurately and with the same and how to manage our time well. Yes. Yeah, it's the same case with me. Yeah. Yes ma'am, initially actually I have to say in my case my exam cracking skill was not that good. I used to read every topic but never read it in a exam perspective,
But after joining MedEase, the classroom coaching itself was also like exam pattern more of. And also the while writing the exam, I felt that difference very clearly in me, in myself. Like I was improving the rank also, test by test. I'm so happy for that. Okay, main aapse puchna chahungi. UPSC ESE requires a lot of practice. So through this test series, aapka wo motto achieve ho raha hai? Yeah, from test one, like we have started this test series. From there, they are covering each and every sections. And like after test also, we can attempt all those questions and like we can refresh our concept as well with this all these questions. For me, this test series really helped me. हाँ डेफिनेटली हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हम 3 घंटे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारी मेंटेलिटी और स्ट्रेस लेवल वहाँ पे भी जैसे हम अगर अचानक जाएंगे तो उतना स्ट्रेस रहेगा पर अभी इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम मोर एक्यूरेटली और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाँ वही ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो हंसा, जब आप MedEase की टेस्ट सीरीज देते हैं देन नेक्स्ट डे MedEase अपना डिटेल सोल्यूशन वेबसाइट पर अपलोड करता है, सो डू यू रिफर दैट? यस. सो जब आप उसको रेफर करते हैं तो आपकी जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ योर प्रोसीजर? एक्चुअली फर्स्ट आई चेक द डिटेल सॉल्यूशन, आई सी वेयर आई डिड रॉन्ग एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन, व्हाट वाज आस्किंग व्हिच आई वाजंट एबल टू आंसर. ओके. तो उसके बाद व्हेन आई अगेन गिव द अनदर टेस्ट एंड देन आई कीप मेक श्योर दैट द लास्ट मिस्टेक व्हिच आई डिड इज नॉट रिपीटेड. यस. तो बेसिकली यही रहता है कि मतलब जो भी हम कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हों, जो भी, तो वो हम क्लियर कर लें. तो आपको डिटेल सॉल्यूशन हेल्प करता है? हाँ, बहुत हेल्प करता है. मतलब उसमें एक एक स्टेप लिखा होता है, जैसे कि अगर हम कोई क्वेश्चन है उसको अगर हम ज़्यादा लंबे तरीके से कर रहे हैं तो फिर उससे आंसर तो आ जाता है लेकिन टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है. मतलब 2 से 3 मिनट लग जाते हैं कभी कभी किसी क्वेश्चन को और वो होता बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है. तो जब हम डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं तो उसमें से पता लग जाता है कि वो बहुत इजीली एक दूसरी चीज़ से करके निकल के आ रहा था जो हमने नहीं ध्यान दिया था. बाकी टीचर्स जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन उससे भी काफ़ी हो जाते हैं. तो थैंक्स टू टीचर्स. दैट्स नाइस. हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज पार्थ. अच्छा पार्थ, आप मुझे एक बात बताइए, हमारे ESE में अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल सब्जेक्ट्स वी हैव 10 नॉन टेक सब्जेक्ट्स एज वेल, सो ऐसे हमारा सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है. सो क्या ये टेस्ट सीरीज आपको जो सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है, उसको रिवाइज करने में मदद मिलती है? यस डेफिनेटली. वन थिंग आई हैव ऑब्जर्वड अबाउट टेस्ट सीरीज इज दैट इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मेथड ऑफ इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स एंड टू द एप्रोप्रिएट एक्सटेंट. सो परसेंटेज सही होती है, कोई सब्जेक्ट की ज़्यादा वेटेज नहीं होती, किसी की कम नहीं होती, बस बिल्कुल अप्रोप्रिएट वेटेज. ऑल्सो टेस्ट सीरीज में कुछ पार्शल सब्जेक्ट्स भी आते हैं, जैसे इनिशियली हमारे पार्ट टेस्ट होते हैं देन हमारे फुल टेस्ट भी होते हैं. तो पार्ट टेस्ट में सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स आते हैं, सो वी गेट टू कवर दो सब्जेक्ट्स इन डिटेल, देन फुल टेस्ट में एग्जैक्ट प्रपोर्शन में वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी गुड मेथड आई थिंक. What's your name? My name is Gaurav Sarawak. Okay, so what's your answer to this question? As my friend suggested, test series is the best method for analyzing your current preparation. Mm-hmm. In fact, day before yesterday, I was talking to my friend and he also suggested the same thing. He used to take the printout of all the tests and accordingly analyze his mistakes and everything. So, yes, we can say that test series is the best resource to revise, and analyze our current preparation. ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देकर आए हैं. सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका टेस्ट देते टाइम एग्जाम एनवायरनमेंट कैसा था? वाज इट मैचिंग टू द यूपीएससी एग्जाम एनवायरनमेंट? आई एम समन बारी एंड आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एंड द एनवायरनमेंट इज प्रिटी अप टू द ESE लेवल एंड जो इन्विजिलेटर थे हमारे वो भी बिल्कुल वैसा ही ट्रीट कर रहे थे जैसे ESE के एग्जाम्स में देखा जाता है. हेलो, माय नेम इज शिखा शर्मा, आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच. द एग्जाम पैटर्न एंड द स्टैंडर्ड वाज अप टू द मार्क एंड इट रियली हेल्प मी इम्प्रूव ओवर द कोर्स ऑफ टाइम. फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट अप टू दिस टेस्ट आई हैव रियली इम्प्रूव एंड स्पेशल इट्स वेरी वेरी यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर नॉन टेक पार्ट बिकॉज द सिलेबस इज वेरी वास्ट. सो इट्स रियली हेल्पफुल. आई रियली सजेस्ट एवरीबॉडी टू enroll in these test series. Hello, myself Shubham. I'm from Civil Engineering branch. The test was absolutely fine.
There were no discrepancies in the test, and the invigilators were really cordial. And that test was absolutely matching the ESE standards. आपका ये जो exam हुआ आज test हुआ, the question paper was matching to the UPSC standard and pattern. मतलब जिस तरीके के questions UPSC में पूछे जाते हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि ये उस standard को match कर रहा था paper? Yes ma'am, because numerical database question जो हमारे technical part होता है, उसमें ज़्यादा पूछे जा रहे थे, तो वो ज़्यादा दे रहे हैं, तो उससे हमारी practice ज़्यादा हो रही है. और बाकी जो नॉन टेक पार्ट है उसको हमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. अभी 2-3 साल ही हुए हैं उसको नए पैटर्न को आए हुए, तो हम वो भी उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है यहाँ पर. पेपर में आपके सारे एरियाज फुल सिलेबस कवर? यस यस मैम, फुल सिलेबस कवर होता है और उसके जो क्वेश्चंस है उसकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है. वैरायटी प्लस डिफिकल्टी लेवल दोनों ही बहुत अच्छे से अचीव हो रहे हैं टेस्ट में. और मतलब जो जैसे कि अभी पेपर का पैटर्न है कि बहुत ज़्यादा हमारा न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो उससे स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों अच्छे से इम्प्रूव हो रही है. टेस्ट में सारे कंसेप्ट जो हैं वो थॉरली कवर होते हैं, और जो हमारे लूप होल्स रह जाते हैं इसके बाद, हम जब हम देखते हैं आंसर की से मैच करते हैं तो हमें पता चलता है हमारे लूप होल्स क्या हैं, और इससे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं बेटर वे में. तो टेस्ट सीरीज रियली हेल्पफुल. फ्रेंड्स, एनालाइज योर मिस्टेक्स, इम्प्रूव योर वीक एरियाज एंड एक्सेल इन द एग्जामिनेशन. रिवाइज, प्रैक्टिस एंड बिलीव इन योरसेल्फ. गुड लक.